मैंने इस फिल्म में सकीना को जिया है और मैंने इस फिल्म में अपनी ज़िंदगी की हर इमोशन को, खुशी को, सब चीज़ों को इस्तेमाल किया है। मैं तो अड़ गई है सर, पाकिस्तानी लड़की है, सबके सामने नाचेगी नहीं भाई। 2 साल तक मैंने कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी। आप यकीन नहीं करोगे, जब गाना स्टार्ट हुआ, जब मैंने गाना बंद किया, आई सॉ ऑल माई असिस्टेंट सिटिंग इन द कॉर्नर्स एंड दे ऑल वर क्राइंग। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। सिनेमा पर्दे पर अक्सर हम अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को डांस करता हुआ देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे पर इन अभिनेता और अभिनेत्रियों को नचाने वाला दरअसल कोई और ही होता है। और एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके इशारे पर पर्दे पर ये अभिनेता और अभिनेत्रियाँ डांस करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कोरियोग्राफर सबीना खान की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबीना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन। गदर 2 से हम शुरुआत करते हैं। चारों तरफ इसी के ही चर्चे हैं, बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है इसने। कैसे मिली आपको यह फिल्म और किस तरह से इस जर्नी की शुरुआत हुई? मैंने अनिल जी के साथ एक्चुअली उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, अनिल जी ने मुझे उस फिल्म के लिए बुलाया था। और उससे भी काफ़ी पहले जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, तो सनी जी की एक फिल्म थी हीरो, उस वो मेरी आई थिंक असिस्टेंट कोरियोग्राफर में 3री फिल्म थी। तो गणेश आचार्य जी उनके कोरियोग्राफर थे और मैं उस पर उनको ज्वाइन किया था मैंने। तो अनिल जी के साथ मैं ज़्यादातर अनिल जी की ऑफिस में मुझे ही बिठाया जाता था। देन जैसे ही गदर शुरू हुई, उन्होंने मुझे बुलाया और सबसे प्यारी बात, ही नेवर सेड कि मुझे एक गाना करवाना या दो करवाना। ही जस्ट कॉल मी कि हमारा नरेशन चल रहा है गदर का, तुम भी नरेशन में आ जाओ। मैं बहुत खुश हो गई और मैं नरेशन में बैठ गई, नरेशन लिया मैंने एज यूजुअल, और वो वहाँ से फिर सफ़र चालू हुआ। तो गदर एक प्रेम कथा से ही आप जुड़ी, गदर पार्ट 1 से? 1 से ही जुड़ी, क्योंकि 2 जब गदर एक प्रेम कथा जब आई थी, जब मैं असिस्टेंट थी, बहुत छोटी थी, लेकिन इस फिल्म का असर बहुत गहरा था मुझ पर। इसमें जो गदर 1 के 2 गाने हैं उसको इसमें रिक्रिएट किया गया है, फिर से शामिल किया गया है। तो आपने बचपन में या जब असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रही थी, तो उन गानों को बनते हुए आपने देखा होगा, फिर उन गानों को रिक्रिएट करके फिर से करने का मौका मिला और म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन के साथ, तो वो अनुभव कैसा रहा फिर रिक्रिएट करके? मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे पहले से ही ना, जो लोग क्लासिक सॉन्ग्स को रिक्रिएट करते हैं और फिर उसको ठीक से नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जब गदर मुझे बुलाया गया तो मैं डरी नहीं, डरने का वक्त ही नहीं दिया मैंने अपने आप को, मैंने अपने आप को झोंक दिया। जैसे होता है ना, बस तेल गरम है, अभी के अभी मसाला डाल दो। काफी लंबे अरसे तक आपने काम किया इस पे? बहुत, 2 साल तक। 2 साल, जब पहले दिन मैंने नरेशन सुना था, उसके बाद मैं आज जब आपसे बात कर रही हूँ, 2.25 साल हो गए इसको, और 2.25 साल, 2 साल तक मैंने कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी। जो आप गाने देख लो, जिसलिए आप हम बैठ के यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, ये वजह ही थी कि अगर मैं इसको संजीदगी के साथ बहुत सोच समझ कर, बहुत होमवर्क करके इसके गानों को नहीं करती, तो आज ये रिजल्ट नहीं आता। हमें पिक्चराइज करना था 70s के दौर को, क्योंकि पहली जो फिल्म थी वो 47 के दौर की थी। अब 70s के दौर को पूरा, वैसे ही मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पुराने गानों की, आपके लहरें पे जितने भी मैं वीडियोस देख पाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कैसे शूट करते थे, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। आज के लोगों के पास सिर्फ लहरें हैं, जो मेरे भी असिस्टेंट डेज के वीडियोस जो मुझे दिखते हैं वो मैं लहरें पे देखती हूँ। तो ये आपको मैं बताऊँ कि जो पुराने गाने, पुराने दौर था, वो मेरे अंदर से कभी मिटा नहीं, मैं उसको फॉलो करती आ रही हूँ आज भी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उन चीज़ों से सीखती हैं। हाँ बिल्कुल, आप नाम लीजिए पुराने गानों का, मुझे पता है उसमें एक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, क्योंकि मैं आज भी दिन में 4 गाने 5 गाने पुराने देखती हूँ, फिर 80s के गाने देखती हूँ, फिर ये मेरा एक होमवर्क है, फिर आज के देखती हूँ, फिर आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट ऑल्सो, सो दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब। तो जब गदर के गाने की शुरुआत हुई, पहला गाना ऊर्जा का लेखा हुआ, तो वो फिल्म को कई बार देखा, अपनी टीम के साथ बैठ के देखा, रात को देखा, सुबह दे, हर एक मूड में मैंने उस फिल्म को देखा और शॉर्ट बाय शॉर्ट ऑब्जर्व किया कि व्हाई पीपल लव द सॉन्ग सो मच, क्या था, क्या उसमें क्या आत्मा डाली गई थी, कि कोई ना कोई आत्मा से कनेक्टेड चीज़ होती है, तभी आप दिल में घुसते हो सबके। तो आई वॉन्टेड माई सॉन्ग्स टू दिल में घुस जाए, लोगों की आत्मा में बस जाए, लोग देखे तो कनेक्ट हो जाए। तो मैं पहले ऑब्जर्व करने लगी,
उसको समझने लगी, सीखने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि ताजमहल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो पगड़ी जो सनी देओल बनवाता है उससे उसको छोड़ने जाने, वो ही तार पगड़ी प्लेड अ रोल. वो शादी का दुपट्टा जब वो शॉट आता है, जब वो ऐसे देखती है उसको, दैट लोगों के दिल में बैठ गया. हर लड़की चाहती थी कि मेरा घूंघट वैसा बने, you know? सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, सनी पाजी को इसमें डांस करो. बिल्कुल. तो मैं वही शुरुआत कर रही हूँ कि सनी जी उस वक्त जितने डैशिंग लगे थे जी. जो जो उन्होंने किया था, वो सारंगी लेके डांस करना कॉलेज में जाके, वो चीज़ें जो मुझे इतनी प्रभावित करी, उन चीज़ों को मैं लेकर आना चाहती थी वापस से. फिर ऊर्जा काले कावा में मैं उन चीज़ों को लेकर आई. सो वो तारा सिंह का वो उस सकीना के कॉलेज में जाके वो बजाना, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी, तो मुझे लगा कि इस बार इन चीज़ों को ले आते हैं. तो वो फिर अनिल जी ने पूछा कैसे लेकर आएगी, तो सर अगर मैं सकीना होती तो मैं 22 साल तक इन चीज़ों को संभाल के रखती घर में. मैंने अभी भी मेरे घर में, मैंने इस फिल्म में सकीना को जिया है, और मैंने इस फिल्म में अपनी ज़िंदगी की हर इमोशन को, खुशी को, सब चीज़ों को इस्तेमाल किया है, मेरे इंसिडेंट्स को इस्तेमाल किया है मैंने. तो मैंने कहा सर मेरे पास भी मेरी पुरानी चीज़ें हैं. पहला जूता है जो मैं रिहर्सल पे गई थी पहनकर, पहला वो एक्टर के साथ फ़ोटो है, वो कपड़े हैं रखे मैंने. तो ये एक लड़की जो पढ़ी लिखी एक ऐसे ख़ानदान से आती है, वो ज़रूर रखेगी. तो सकीना ने अपने घर में इन चीज़ों को रखा होगा, ही अग्रीड हो सकता है. तो फिर वो ताजमहल ले आई मैं, फिर वो चूड़ियों का एक के लड़की है अगर तो चूड़ी होगी, तो चूड़ी के बीच में तो लोगों ने एक एक शॉट की बात की के. और सनी सर तो आप जानते हो उनका ऑरा, वो जब आते थे और वो क्लोजअप उनका आता था तो मैं ऐसी मैं ब्लैंक हो जाती थी. आई एम अ सनी देओल फैन. फिर उसके बाद गड्डी लेके गाना आप देखिए, पहला भी गड्डी लेके गाना जो था वो इतना पॉपुलर हुआ था, एंड सनी सर डांस इन दैट सॉन्ग लाइक नेवर बिफोर. तो मुझे लगा इसमें तो डांस करना ही है, लेकिन इसमें एक फैमिली बॉन्डिंग को लाना था. जीते बड़ा हो चुका है, सकीना इस उम्र में है, फिर इस उम्र में दोनों की बॉन्डिंग, सकीना ताई है उसकी, ताई की बहू है, और जीते के दोस्त है. तो एक माहौल बना के जीते के बर्थडे पे ये गाना हो रहा है, जहाँ पे उसने बेटे को बाइक गिफ्ट की. तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग को ले आई मैं फिर, कि एक फैमिली जब साथ रहती है, जो इतना जज्बा रखती है कि जब दूसरी फैमिली के मेम्बर पर बात आए तो वो सीधा उखाड़ दे कोई भी चीज़, ये वैसी फैमिली है. तो फिर वो फैमिली बॉन्डिंग के साथ इस गाने को किया गया, और आई मेड श्योर कि सनी सर को डांस कराया जाए. ही डिडंट वांटेड टू डांस एंड आई सेड नो सर, मैं आई टोल्ड हिम दैट आई मेक श्योर दैट यू लुक ग्रेसफुल, यू ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड सनी सर के साथ मेरा ये बॉन्डिंग है कि मैंने एज एन असिस्टेंट उनके साथ काम किया हुआ है. मेरा दिल ले गई हुई कमों किधर, वो गाने बोलो, जितने भी रवीना टंडन के साथ गणेशाचार्य मास्टर जी ने जो गाने किए, मैं असिस्टेंट होती थी तो मैं ही सिखाती थी मोस्टली मेल एक्टर्स को भी. तो उनके साथ वो बॉन्डिंग है, मुझे पता है कि उनका नेचर कैसा है. वो शाय है, वो सबके सामने रिहर्सल नहीं करेंगे, वो उनके सवाल होते हैं, कुछ लॉजिकली सवाल होते हैं कि बिन लॉजिकल वो डांस नहीं करेंगे. तो ही आस्क्ड कि व्हाई तारा सिंह इज़ डूइंग दिस स्टेप. आई सेड बेटा इतना झूम के नाचा है बाप को लेके, तो बाप तो डांस करेगा ही करेगा, और ये तारा सिंह है. उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में भी कहे ही है बातें कि मैं किसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता. हाँ बिल्कुल, ही वाज वेरी, ही टोल्ड मी आल्सो कि कोई चीज इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए शबीना, और कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. अनटिल अनलेस एक स्टेप है जो हमने रिपीट किया है, और वो मेरी तरफ से जय मास्टर जी को श्रद्धांजलि भी है कि वो जो स्टेप था मैं उठे दिल छोड़ आया. हमने नया क्रिएट किया है जीते के लिए, और वो सनी देओल सर का वो एक स्टेप रिटेन किया, और फिर वो एक बड़ा सा शॉट आता है जो लोगों को बहुत पसंद आया, जहाँ पे बाप बेटा डांस कर रहा है. तो स्टेप्स भी वो सोच के दी गई कि सनी सर ग्रेसफुल लगे, तारा सिंह की आज की उम्र का वो स्टेप हो. और पंजाबी इंसान तो दिल से कितना बड़ा सिंगर और डांसर होता है सब जानते हैं. ये दो गाने ही नहीं, बाकी जो और गाने हैं जैसे खैरियत है, हाँ, और दूसरा जो सिमरत और उत्कर्ष पे फिल्माया गया, वो भी काफ़ी खूबसूरत बन गया. बहुत खूबसूरत है. खैरियत तो एक ऐसा गाना है, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि जब गाना मेरे पास आया तो वो पहला नया गाना था. दोनों गाने तो रिक्रिएट किए थे और ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब पहला नया गाना आया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई. मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल खड़ी रह गई, और अनिल जी को लगा मुझे गाना पसंद नहीं आया. मैंने कहा सर ये इतना खूबसूरत गाना है, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसे इतना खूबसूरत गाना है, मैं इसको कैसे करूँगी, मैं कर पाऊँगी. सर तुझे डाउट है? सर डाउट नहीं है सर, बट ये बहुत खूबसूरत गाना है, इसके इमोशंस
लाना ही पड़ेगा। और स्टोरी में जिस जगह ये गाना आता है वो भी इतना सही है कि एक बाप अपने बेटे को लेने जा रहा है, लेकिन ये गाना है दुआ। मैंने उनसे कहा पहली बात कि ये दुआ है जो एक माँ बाप अपने बेटे के लिए कर रहे, एक बीवी अपने हस्बैंड और एक बेटे के लिए कर, ये दुआ है जो हर फैमिली मेम्बर इस गाने को पसंद करेगा और ये दुआ के तौर पे बोलेगा उसे खैरियत से रखना। पहले तो दो दिन तक मैं कुछ कर नहीं पाई क्रिएट इस गाने को लेकर, क्योंकि जैसे ही बजता था मैं रो पड़ती थी, बिकॉज़ आई लॉस्ट माई फादर रिसेंटली, तो वो इमोशंस थे मेरे अंदर। तो जैसे ही मैं गाना लगाती थी मुझे उनकी याद आ जाए और मैं रिहर्सल हॉल पे रो पड़ूँ। फिर मैं टीम को बोलती थी आप लोग अपना अपना काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एक दिन गुजर गया, मैं सोची मैं रोती ही रहूँगी तो मैं क्रिएट कब करूँ। फिर मैं तारा सिंह के सीन को याद करूँ, सीन पढ़ रही हूँ, सकीना के सिचुएशन को पढ़ के फिर मैं रोने लगूँ कि सकीना एक माँ है, कैसे बर्दाश्त करेगी वो। उसके शॉर्ट्स आएंगे तो मतलब कलेजा फट जाएगा हर माँ का कि मेरा बेटा उस जगह है जहाँ पे उसको कभी भी काट डाले। और फिर शौहर भी चला गया तो एक माँ कैसे किस दौर से गुजरती होगी। देन आई स्टार्टेड फीलिंग दैट। फिर मैंने सेकेंड डे अपने टीम को बोला आप सब अलग अलग बैठो, मैं गाना बजाती हूँ और अपने इंसिडेंट्स को याद करो, ज़िंदगी के पहलुओं को याद करो जब आपके साथ कुछ हुआ था। तो फिर हम जब रुकेंगे, गाना ख़त्म होगा, हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। दिस इज़ अ प्रैक्टिस आई सेड। आप यकीन नहीं करोगे, जब गाना स्टार्ट हुआ, जब मैंने गाना बंद किया, आई सॉ ऑल माई असिस्टेंट सिटिंग इन द कॉर्नर्स एंड दे ऑल वर क्राइंग। ये पहली बार हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरे तो आंसू बह रहे थे। एक लड़की सामने बैठ के रो रही है ऐसे बैठ के, एक वहाँ रो रही है, एक ऐसे रो रही है। लड़का असिस्टेंट जो मेरा छोटा भाई है जो कब बहुत ही प्रैक्टिकल है खैरियत पे, वो रोने लगा। एंड दे ऑल केम एंड दे हग्ड मी सो टाइट एंड दे सेड दैट दिस सॉन्ग इज सो क्लोज टू आवर हार्ट। देन आई सेड चलो अब इसको क्रिएट करते हैं। देन आई अंडरस्टूड, आई गॉट द इमोशंस सबका। फिर वो माँ सजदे पे क्या रो रही है, कैसी दिख रही है, फिर वो क्रिएट हुआ। बाप बस के ऊपर बैठा है, अपने बेटे के खत पढ़ रहा है, रो रहा है। फिर वो गाना पूरा वजूद में आया जो लोगों को इतना पसंद आया। दूसरा जो सिमरत और उत्कर्ष पर फिल्माया गया, उसमें भी काफ़ी अच्छा जो कल्चर आपने दिखाया उस ज़माने का, पर्दा और सारी चीज़ें। जैसे मैंने कहा ना पुराने गानों की फ़ैन हूँ, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। तो जब चल तेरे इश्क में गाना पिक्चराइज होना था तो मैं तो अड़ गई। सर पाकिस्तानी लड़की है, सबके सामने नाचेगी नहीं भाई, चिलमन बनाना पड़ेगा। और चिलमन होते हैं छोटे, हमने बनवाए बड़े बड़े चिलमन के, 6-6 फीट के चिलमन बनवाए, लड़ियाँ डाली। और फिर गाने को मुझे रियल जोन में रखना था कि एक पाकिस्तानी लड़की बहुत अच्छी डांसर नहीं हो सकती क्योंकि उसको म्यूज़िक से डांस से दूर रखा जाता है। तो लॉजिक पे पहले मैं आ गई। और फिर वो कि वो उस खानसामे से मोहब्बत करती है जो बाहर काम कर रहा है और तैयारी कर रहा है, खाना ले जा रहा है, ट्रक में रख रहा है, बना रहा है। तो फिर ये मैंने अंदाज चेंज किया कि चिलमन बनाई जाए और स्टेप्स भी वैसी है कि वो झाँक के उसको देख रही है और फिर स्टेप बनाती है, वो झाँक के उसको देखती है और फिर अंगूठा पकड़ती है, वो जो भी कर रही है उसको देख रही है और उसकी वजह से वो स्टेप को बना दिया मैंने। चलिए, आपकी मेहनत सफल हुई और अल्लाह ने कबूल कर लिया और सभी गाने जो है ब्लॉकबस्टर गाने हैं। झूम झूम सॉन्ग जी इज सो ब्यूटीफुल, लड़के पे जो पिक्चराइज हुआ है उत्कर्ष शर्मा पे, उसके लिए हमने 2 महीना 70 से 72 के जो फिल्म के गाने थे उसके ऊपर उत्कर्ष शर्मा को प्रैक्टिस करवाई है। अच्छा। ताकि उसका बॉडी लैंग्वेज बने, क्योंकि उसका कैरेक्टर ये है कि वो फिल्मों में जाना चाहता है। तारा सिंह चाहता है कि वो अफसर बने और वो चाहता है कि मैं हीरो बनूं। तो उसको 2 महीना तक मैंने प्रैक्टिस करवाया पुराने गानों पे, तब जाके उनकी बॉडी लैंग्वेज इतना खूबसूरत। इवन सकीना, शी वॉज सो हैप्पी, वी वर्क सो क्लोजली मी एंड सकीना अमीशा, कि 22 साल के बाद सकीना पंजाब में रह रही है 22 साल से, उसने दुपट्टा ओढ़ने का अंदाज, वो उसने दुपट्टे के साथ जो उसके ऊर्जा काले कावा में स्टेप दिया, फिर वो दुपट्टा उसके गले में डालना, वो सारे स्टेप्स को जिया है मैंने अमीशा के साथ। तो आप सनी देओल को काफ़ी जानती हैं और उनके साथ काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है, तो कितने अच्छे डांसर हैं वो, कैसे आप उनको स्टेप दिलवाते हैं? He's a good, he's a graceful dancer. He's not a very good dancer कि उनको कोई भी स्टेप दे दो वो चल जाएगी आजकल की, नो। उनका एक बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो इस फिल्म में तारा सिंह है, तो तारा सिंह का वो हर जगह भी गए वो ऐसे डांस करते हैं, तो उनका वो बहुत कंफर्टेबल है इस अंदाज के साथ कि मैं तारा सिंह हूँ और मैं पंजाबी हूँ,
तो उनको उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो स्टेप्स दी वो बहुत ग्रेसफुली कर गए। उनको कोई और उनके हिसाब से ही स्टेप देना चाहिए। आप उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप दे दोगे धाप चुप वो नहीं कर पाएंगे और वो ना उन पर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रेसफुल मोमेंट बनाए, जैसे एक मोमेंट है ग्रेसफुल जो बेटे के साथ कर रहे हैं, फिर सकीना के पास, तो उनके हिसाब से, उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनको स्टेप दो तो वो ग्रेसफुल लगते हैं।